अभिनव कौन है? अभिनव सामने आओ, मुझे पता तो चले मेरे स्टूडेंट्स कैसे दिखते हैं, ताकि रोड पे कहीं मिले तो मैं उनका हाय कर सकूं। जल्दी जल्दी, किधर गया अभिनव? ऑन करो अपना, अभी तक मुझे छह ही दिख रहे हैं। जल्दी ऑन करो, देखो आज मैंने वॉच भी पहनी हुई है। जल्दी ऑन करो अभिनव। अच्छा देखो कितना शर्मा रहा है, ऑन ही नहीं कर रहा वो। क्या मिस किया? तुम दिख तो नहीं रहे, किधर हो तुम? एक मिनट देखो, मेरे को देखने दो। किया मिस? हाँ अभी दिखे। अरे तुम तो इतने पढ़ाकू दिखते हो, फिर क्यों ऑफ करके रखा था? देखना नहीं चाहिए ना किसको, नजर नहीं लगनी चाहिए। अच्छा अच्छा एक काम करना, काला टीका लगा के बैठ जाना, नहीं लगेगी किसी खबर को। नहीं है अभी क्या करे, क्या नहीं है? इस लॉकडाउन में कुछ मिल ही नहीं रहा मिस, क्या डोंट वरी, मैं मेरे को एड्रेस दे दो, मैं पार्सल कर दूंगी तुम्हारे पास, ठीक है। ठीक है मिस, है? ओके चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सब लोग दिख रहे हैं और मैं साथ में कमेंट्री भी करूंगी थोड़ी बहुत तुम लोगों की, अगर कुछ तुम लोगों ने वीडियो कॉल में ऐसी वैसी हरकत की तो, कोई अगर सो रहा होगा या फिर कोई हिलडुल रहा होगा। ठीक है, मेरे पे ध्यान देना, मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तुम सबको। दिख रही है सबको? देखो एक ने हेडफोन्स डाल के बैठा है, ने एक ने ईयरफोन्स डाल के बैठा है, एक ने कैमरा अपने फेस के पास पकड़ा हुआ है। सब लोगों की मैं कमेंट्री करूंगी अभी, ठीक है? ओके अब सब लोग अच्छे दिख रहे हो, ठीक है? तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ तक देखा था? उससे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम लोग के पेरेंट्स को पता तो है ना कि तुम लोग क्लास अटेंड कर रहे हो? जिसके नहीं पता है वो हाथ ऊपर करो। अनम्यूट मत करो, हाथ ऊपर करो खाली। लोग के पता है पेरेंट्स को? तो म्यूट क्यों करके रखा है तुम लोगों ने? वो चिल्लाते हैं क्या तुम कुछ बोलते हो तो? अच्छा ठीक है, चलो मैं कुछ भी पूछू तो हाथ ऊपर कर देना, ठीक है? और अगर मैं इस पे कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछू तो चैट बॉक्स में डाल देना, ठीक है? और तुम लोग को कोई क्वेश्चंस हो तो भी चैट बॉक्स में डाल देना, ठीक है? तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था? ट्रांसलेशन प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसके बाद से हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा, बट फिर भी हम लोग मेन प्रोसेस पे नहीं पहुंचे, राइट? तो वहां से हम लोग का डायरेक्टली अभी हो रहा है, तो इसका रीजन मेरा है कि मेरा कुछ पर्सनल शिफ्टिंग चल रहा था, तो इसलिए, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम लोग मेन उसकी प्रोसेस जो होती है ट्रांसलेशन की वो देखेंगे। फर्स्टली सारे स्टेप्स हम लोग ने देख चुके हैं, तो अभी मेन प्रोसेस क्या होती है वो डायग्राम में भी मैं समझाऊंगी, और ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, ये भी पढ़ के थोड़ा समझ लो। ओके समझ में आ रहा है सबको मैंने अभी क्या बोला? देखो ये अभिषेक इधर उधर देख रहा है और अभिनव इधर उधर देख रहा है। नहीं मैम, बुक में देख रहा हूँ थोड़ा। अच्छा बुक पहले बंद करके रखो सब लोग, और चीटिंग नहीं करना, देखो मैं लॉकडाउन में फिर श्राप दे दूंगी तुम लोग को। जल्दी जल्दी अपने सामने की बुक्स बंद करके रखो और फोकस रखो कैमरे पे। ओके तो यहाँ पे देखो इनिशिएशन प्रोसेस हम लोग ट्रांसलेशन में देखते हैं। देखो देखो कोई लोग सो सो के उठ रहे हैं, देखो ठीक है? तो अभी यहाँ पे इनिशिएशन प्रोसेस देखते हैं हम लोग। राइबोसोम कंटेन्स सब यूनिट, जो मैंने तुम्हें पहले बताती है सारा वही है। राइबोसोम के पास जो होते हैं, राइबोसोम कहाँ होता है सबसे पहले बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। राइबोसोम किधर होता है, घुटने में होता है या हाथ में होता है, बताओ जरा। जल्दी जल्दी, अरे मेरे को पता है तुम लोग बहुत अच्छे से चैटिंग करते होंगे और इतना टाइम तो नहीं लगता है तुम लोग को टाइप करने के लिए।
बताओ जल्दी जल्दी। एक एक भी इंसान ने चैट बॉक्स में नहीं लिखा हुआ अभी तक। राइबोसोम कहाँ होता है पता है ना सबको? अच्छा डीएनए में होता है। किसने लिखा है? साइली ने। कोई बात नहीं, ट्राई किया, अच्छी बात है। अभिनव ने लिखा सेल में, राइट? अरे तुम तो दिखते भी हो और स्मार्ट भी हो, राइट? ओके, तो यहाँ पे देखो अभिनव का आंसर राइट है। साइली का थोड़ा सा चूक गया साइली, क्योंकि डीएनए के साइड में ही होता है वो, बट न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है? तो ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ओके, राइबोसोम जो होता है, तो वो राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर तुम लोग देखोगे तो वहां पे एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है, ठीक है? तो वहां पे जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी तुम्हारी आगे जाके राइबोसोम में होती है। इससे पहले हम लोगों ने कौन सी प्रोसेस देखी थी? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखी थी, ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अगर तुम लोग को याद होगी बाय चांस तो बता दो जरा क्या होती है। देखो देखो स्कॉलर अभिनव जो है वो बोल रहा है कि नहीं आता मुझे। अच्छा बताओ कुछ आइडिया है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमने किस कौन सा एक एलिमेंट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है ये बताओ। आप इतना बड़ा लिंक दे दिया, बस तुम्हें इधर है और इधर का बताना है, इंसान दो कौन है ये? फर्स्टली तो साइली ने जो आंसर दिया था वो एक आंसर है, ओके? और उससे ही आगे जाके एक फॉर्म बनता है, वो कौन सा है? ऑब्वियसली हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो हमें क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है, ओके? तो डीएनए से हम लोग को प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस दोनों आती है, ओके? तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आधी होती है, तो उसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है और उसके बाद में एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे फर्स्टली तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। थोड़ा तुम लोग को मैं फ्लैशबैक दिखा रही हूँ, ठीक है? सब लोग ऐसे ऊपर देखो जैसे वो बादल में दिखता है ना, फ्लैशबैक तुम लोग को। हाँ देखो तीन चार ने ट्राई भी किया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर उसके बाद में एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं, और वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? तो भी बेसिकली इतना फिट करके रखो दिमाग में कि एमआरएनए से हमें प्रोटीन बनाना है इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में। तो इसके बीच में कौन कौन सी यूनिट्स आते हैं वो भी देखते हैं। और पिछली बार मैंने तुमको ये भी बताया था कि वहां पे टीआरएनए जो होता है वो भी पार्ट लेता है, राइट? वैसे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था पहले कि हाँ टीआरएनए भी लेता होगा कहीं पार्ट, बट अभी कंफर्म हो गया कि हाँ टीआरएनए ही पार्ट लेता है, क्योंकि वो ट्रांसफर आरएनए है, राइट? ओके, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो उसके बाद में एमआरएनए भी होता है, तो अभी उसका प्रोसेस क्या होता है देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो फिर बाद में मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी फिर से। देन यहाँ पे क्या था, ऑन लार्ज सब यूनिट देयर विल बी अ थ्री साइट्स। अभी वहां पे जो मैंने बोला कि राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, राइट? एक लार्ज यूनिट होता है और एक स्मॉल यूनिट होता है। तो लार्ज यूनिट पे जो होगा, देखो किसी की मम्मी जा रही है पीछे, तो यहाँ पे लार्ज सब यूनिट जो होता है ना, तो वहां पे ई साइट करके एक होता है, पी साइट करके एक होता है, और ए साइट करके होता है, ओके? तो यहाँ पे ये तीन साइट है, ये बाद में मैं दिखाऊंगी तुम लोग को इमेज में। तो फर्स्टली इतना ध्यान में रख लो कि लार्ज सब यूनिट में तीन साइट होते हैं, ओके? देन उसके बाद में एमआरएनए विल ऑलवेज बाइंड टू स्मॉलर सब यूनिट, ओके? तो अभी लार्ज सब यूनिट में तो ये तीन साइट फिट हो गए, ठीक है? तो वहां पे जगह नहीं है, ओके? तो हम लोग ने कभी ऐसे किया है कि किसी की सीट पे दो लोग बैठते हैं उस पे जगह नहीं हो फिर भी हम लोग जाके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? वो हमें फिर लात मार के निकाल देंगे बाहर, ठीक है? तो यहाँ पे भी नहीं होता वैसे, यहाँ पे तीन साइड बैठेंगे और नीचे का जो स्मॉल सब यूनिट होगा वहां पे जो होगा ये एमआरएनए जाएगा, ओके? क्योंकि उसको अपने कोडॉन्स बताने हैं उसको जो इसने कॉपी करके लाया है डीएनए से, ठीक है? तो यहाँ पे उसके बाद में द टीआरएनए विल ऑलवेज बाइंड टू पी साइड ऑफ लार्ज यूनिट, मीनिंग टीआरएनए विल बाइंड टू ए साइड, ओके? तो यहाँ पे क्या होता है, ई साइड जो होती है वो एग्जिट साइड होती है, ठीक है? तो ऑब्वियसली वहां से एग्जिट लिखा हुआ है तो वहां से क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर जाना पड़ेगा राइबोसोम के, ठीक है? तो वहां पे पी साइड जो होती है और ए साइड जो होती है, ए साइड होती है वो अमाइनो साइड करके एक साइड है वो होती है। तो यहाँ पे पहले तो वो पी साइड जो होती है वो पेप्टिडिल होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा,
ई साइड से वो एग्जिट करेगा, फर्स्टली जो टीआरएनए फॉर्म होगा एमआरएनए से. अभी एमआरएनए का समझो हम लोगों ने सीक्वेंस लिया है, लार्ज सब यूनिट ऊपर है, स्मॉल सब यूनिट नीचे है. मैं दिख रही हूँ तुम लोग को, मेरे हाथ दिख रहे हैं छोटे छोटे दो हाथ. ओके तो यहाँ पे ये लार्ज सब यूनिट होगा, यहाँ पे स्मॉल होगा, यहाँ पे स्मॉल में एमआरएनए होगा और यहाँ पे लार्ज के थोड़े से नीचे टीआरएनए होगा. ठीक है, तो वो टीआरएनए का काम क्या होता है कि वो ऑब्वियसली क्या करेगा, क्या करेगा, उसके एंटीकोडोन बनाएगा, राइट. तो एमआरएनए का जो मैसेज है वो कॉपी भी तो करना है ना हमें, उसको बताने के लिए कि कौन सा अमीनो एसिड बनाना है, फिर कौन सा प्रोटीन बनाना है. तो फिर वहां पे वो टीआरएनए कॉपी करेगा और ऑटोमेटिकली वो लार्ज सब यूनिट में जो बी साइड होती है ना, सबसे पहला जो स्टार्ट कोडन होगा वो कौन सा होता है, हमेशा एयूजी. ओके, तो ये कोडॉन हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था कि वहां पे कोडॉन्स होते हैं. ओके, जो कि थ्री नाइट्रोजन बेसिस को मिला के एक कोडॉन बनता है, राइट. तो वो कोडॉन जो होगा फर्स्ट जो स्टार्ट करेगा उसको एयूजी बोलते हैं. ओके, एबीसीडी मत लिख देना प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है. ठीक है, एयूजी हमेशा याद रखना. ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा वो जो एयूजी है वो पहले पी साइट को जाके अटैच होता है. ठीक है, जो लार्ज सब यूनिट में तीन साइट होते हैं उसमें बीच में पी साइट होता है, तो उसको जाके पहले अटैच होगा. ठीक है, तो वहां पे वो अटैच होने के बाद में हाँ प्रोसेस इनिशिएट करनी है, उसको समझ में आ जाएगा. तो फिर वो क्या करेगा, पी साइट का जो वहां पे कॉपी किया हुआ अमीनो एसिड है वो आगे धकेल देगा, वो अमीनो एसिड वहां से निकल जाएगा और वो जो खाली टीआरएनए होता है जिसपे कोई भी कोडिंग नहीं होता तो वो आगे चला जाएगा. देन अगेन सेकेंड जो है वो ए साइड पे आएगा, ए से पी, पी से ई. ओके, मतलब ए पे पहले आएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर बाद में ई से एग्जिट कर देगा. बट फर्स्ट कोडॉन हमेशा जो होता है वो पी साइड पे जाता है, इतना ध्यान में रखो, और बाकी के सारे ए साइड पे जाते हैं. समझ में आई ये प्रोसेस यहाँ तक? ओके, हाथ ऊपर उठाओ अगर समझ में आओ तो. देखो अभिनव कितने कूल कूल वाले ये फेसेस बना रहा है. ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, तो इसके बाद में देखते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्ट कोडॉन विल बी ऑलवेज एयूजी एंड इफ इट इज इन प्रोकैरियोट इट विल बी कोड फॉर फॉर्मिल मिथियोनिन. ठीक है, तो अभी मैंने यूकैरियोट्स में बताया था एयूजी किसके लिए कोड करता है. एक तो वो स्टार्ट कोडॉन है और दूसरा वो मिथियोनिन अमीनो एसिड बनाने के लिए ये करता है. ओके, और अगर वो प्रोकैरियोटिक में होगा तो यहाँ पे वो फॉर्मिल मिथियोनिन बनाएगा. ठीक है, तो वहां पे सिर्फ मिथियोनिन नहीं होगा, ये याद रखना है डिफरेंस तुम्हें. समझ में आया यहाँ तक? ओके, ठीक है, तो अभी देखते हैं कौन कौन जगह हुआ है ज्यादा. तो यहाँ पे मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर चैट बॉक्स में लिख दो, जो पहले लिखेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगी. ओके, अभी नया लॉकडाउन के बाद दूंगी, तुम लोग के मैं नाम लिख के रखूंगी और तुम लोग को बाद में दूंगी. ठीक है, ये पीपीटी में सी है और छोटे छोटे तुम्हें दिखेंगे यही पे है इसके आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो. मैं तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगी. ठीक है, ई साइट इज फॉर डैश, लिखो अभी वहां पे ई साइट किस लिए होता है. बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत. चलो अभी किसने लिखा, पहले तो गौरी ने लिखा हुआ है, एग्जिट राइट, मृणमयी राइट, साइली राइट. ओके, सब लोगों ने अच्छे से आंसर किया. चलो चार तो लोगों ने कर दिया. अभी मैं चॉकलेट किसको दूंगी ये मैं डिसाइड करूंगी. ठीक है, यहाँ पे फिलहाल तुम लोग को एक अच्छा सा मेरा रिप्लाई मिलेगा. ठीक है, मिल गया सबको,
देखो इसके बाद में मैं तुम्हें, अगर तुम लोगों ने बिना देखे अच्छे से आंसर दे दिया तो सब बेस्ट वाला जो है ना, ये सबसे मेरा टॉप वाला कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? तो ये तुम्हें अभी नहीं मिलेगा क्योंकि आंसर इसमें ही है, ठीक है? ये पार्ट समझ में आया होगा तुम्हें। अभी हम देखते हैं इलोंगेशन प्रोसेस, जो कि सेकेंड प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे देखो, टीआरएनए विल कैरी अमीनो एसिड्स, पेयरिंग ऑफ कोडॉन्स एंड एंटी कोडॉन्स, एंड ऑल अमीनो एसिड्स विल स्टार्ट टू बाइंड इन अ चेन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वही है जो कि एमआरएनए का जो कॉपी करता है वो टीआरएनए है, तो वही वहां पे वो अमीनो एसिड डिसाइड करेगा। हम लोगों ने वो याद है देखा था स्ट्रक्चर, ऐसे लाइक ऐसे शेप में था, टीआरएनए का स्ट्रक्चर याद है किसी को कैसे शेप में था? रुको मैं बताती हूँ। ये याद है क्या, ये वाला टीआरएनए का स्ट्रक्चर? सब लोग की याददाश्त जा चुकी है क्या, कोई मुझे बताएगा? ये याद है सब लोग को? अभिनव को नींद आ रही है, देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो। अगर याद है तो हाथ ऊपर करो सबको, जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करो। डोंट वरी, तुम्हारे मॉम डैड तुम लोग को पागल नहीं समझेंगे। हाथ ऊपर करो जल्दी। देखो अभिनव को अभी भी आलस आ रहा है बहुत हाथ ऊपर करने में। जल्दी 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 हाथ ऊपर करो, जो नहीं करेगा उसको चॉकलेट नहीं मिलेगी फिर बाद में, और फिर मैं बताऊंगी उनको एक बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद में। जल्दी हाथ ऊपर करो, बताओ। जब तक हाथ ऊपर नहीं करोगे मैं आगे नहीं जाऊंगी, ठीक है? इनके तो आगे लगता है अभिनव को हिंदी समझ नहीं आ रही है। चलो समझ में आ गई जल्दी, ठीक है? तो यहाँ पे टीआरएनए दिख रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका जहां पे वो अमीनो एसिड बनाता है एमआरएनए के जो कोड है वो देख के, ठीक है? देन वही प्रोसेस था, देन पेप्टाइड लिंकेज एंड पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, जब अमीनो एसिड्स बनते हैं तो वहां पे वो दो अमीनो एसिड की, जैसे हमें पता है कि प्रोटीन फॉर्म करने के लिए अमीनो एसिड का चेन बनाना जरूरी है, राइट? तो वहां पे वो चेन बनाने के लिए उनको कुछ तो जोड़ने के लिए भी चाहिए ना। समझ लो अगर हमने मोती लिए, तो मोती हम लोग को या फिर पर्ल्स को हम लोग माला में ऐसे डालने वाले हैं, तो हमें ऑब्वियसली कोई तो धागा चाहिए रहेगा। ओके, ऐसे ही हम लोग हाथ में लेके इधर रखे इधर रखे इधर रखे, इतनी टेक्नोलॉजी हमारी हाई नहीं हुई है अभी तक, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो कनेक्शन लगेगा वो कौन प्रिपेयर करेगा? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो अमीनो एसिड्स को जोड़ेगा, ओके? और उसके दो अमीनो एसिड को जो जोड़ता है उसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज भी बोल सकते हैं, ठीक है? देन उसके बाद में जो आता है, एम्प्टी टीआरएनए विल एग्जिट द राइबोसोम। जैसे मैंने बोला था कि वो पहले पी साइट को अटैच होगा, देन उसके बाद में उसके ऊपर जो अमीनो एसिड बना हुआ है वो ऊपर चला जाएगा चेन बनाने के लिए। देन उसके बाद में टीआरएनए ऑब्वियसली खाली हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, मूव करेगा टूवर्ड्स टी साइट, ठीक है? तो वहां से वो क्या करेगा, एग्जिट कर देगा। ओके, तो यही लिखा है बस। एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू, ऐसे ही प्रोसेस होती रहेगी। वी नो एमआरएनए आल्सो कंटेन्स स्टॉप कोडॉन, ठीक है? जैसे कि हम लोगों ने इसमें स्टार्ट कोडॉन देखा था, वैसे ही क्या होंगे, इनमें स्टॉप कोडॉन्स भी होंगे। तो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स क्या करेंगे बताओ, प्रोसेस स्टॉप करेंगे या चालू करेंगे? देखो कितने गौर से सुन रहे हो, बताओ। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख दो, चलेगा? अच्छा साहिली, तुमने स्टार्ट क्यों लिखा हुआ है? बच्चे प्रोसेस हमें एंड करनी है अभी, हम स्टार्ट कर चुके हैं कभी भी। राइट राइट राइट, गौरी ने भी स्टार्ट किया है, वाह गौरी। बेटा इधर देखो मेरी तरफ, गौरी अपने सपनों में खो गई है शायद से, ठीक है? स्टॉप जिन लोगों ने बोला है वो राइट हैं सारे,
ओके इसका स्क्रीनशॉट निकाल के मैं मत व्हाट्सएप पे रख देना, ठीक है, कि मैम ने वाह हमारे को गुड बोला करके। ओके तो यहाँ पे देखो इलोंगेशन प्रोसेस में सिर्फ इतना ही होता है, स्टॉप कोडॉन का हम आगे देखेंगे। टर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑब्वियसली टर्मिनेशन नाम में ही लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस स्टॉप होने वाली है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस प्रोसेस यूएजी एंड यूजीए, तो अब ये तीन अलग अलग कोडॉन है, ये क्या करेंगे, ये प्रोसेस स्टॉप करेंगे। जैसे वहां पे मैंने बताया था कि वहां पे तीन साइट्स थे, एग्जिट वाली थी, पी वाली थी और ए वाली थी, राइट। तो अभी ये तीन अलग अलग साइड है और यहाँ पे एक साइड पे तीन नाइट्रोजन बेस होते हैं, मतलब कि एक कोडॉन होता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो तीन कोडॉन है ये वो तीनों पे जाके बाइंड हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, लार्ज सब यूनिट को अलग करेंगे, स्मॉल सब यूनिट को अलग करेंगे, देन वो अपने जो टीआरएन है वो सारे साइट्स हैं वो सारे अलग हो जाएंगे, फिर एमआरएनए भी अलग हो जाएगा और वहां पे अम्यूनो एसिड की चेन बन जाएगी और वहां पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ असेंबली विल ब्रेक, राइबोसोम टीआरएनए एंड एमआरएनए विल अनवाइंड, मतलब कि वो उसके बाद में निकल जाएंगे वहां से। देन राइबोसोम कंटेन्स 65% ऑफ आरएनए एंड 35% ऑफ प्रोटीन्स, no membrane and two unequal and irregular shaped subunits, okay? तो ये सारा बस वही है कि termination process में तुम्हारा start होगा और वहाँ पे तुम्हारा 65% rRNA होगा और 35% proteins होंगे, ठीक है, ribosome में। समझ में आ रहा है यहाँ तक process? अभी मैं तुम्हें अगले diagram में बताऊंगी, शायद तुम्हें देख के अच्छा लगे diagram, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई हुई है और ये मैंने तुम लोगों से झूठ बोला हुआ है, ये मैंने डाउनलोड की हुई है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो देखो अभी ये डायग्राम दिख रही है क्या सबको? दिख रही है डायग्राम सबको? ओके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ कुछ लोगों ने अपने कैमरा ऑफ कर दिए हैं, जिन जिन लोगों ने, उनको कहीं सोने के लिए टाइम तो नहीं चाहिए? जल्दी ऑन करो वीडियो कॉल अपने, जल्दी जल्दी, जिन जिन लोगों ने ऑफ किए हैं जल्दी करो, मुझे दिखने चाहिए तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। जिन जिन लोगों ने ऑफ किए जल्दी ऑन करो, अच्छा चैट्स में मेरे को सेंड करो, तुम लोग सर को मत सेंड करो, ठीक है। जिन जिन लोगों ने ऑफ किया जल्दी ऑन करो, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी। किधर गए मेरे स्कॉलर बच्चे, किधर गए तुम लोग, जल्दी आओ, जब तक नहीं आओगे तब तक स्टार्ट नहीं करूंगी मैं। जल्दी जल्दी वीडियो कॉल ऑन करो अपने, अभिनव ऑन करो, वरना सबके पेरेंट्स के नंबर है मेरे पास, मैं बता दूंगी कि तो आप लोगों के बच्चे मुझे दिखते नहीं है करके। चलो तुम लोग को देख लूंगी मैं अभी, तुम लोगों की वजह से अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। देखो तो यहाँ पे अच्छी खासी गर्ल्स की टीम दिख रही है, मैं उनके साथ ही कर लेती हूँ, ठीक है। गर्ल्स लोग हम उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है, तुम लोग मेरे साथ हो तो हाथ अपना ऊपर करो, ओके वेल डन। चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक लार्ज सब यूनिट होगा, एक स्मॉल सब यूनिट होगा, राइट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम का है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नीचे दिखाया हुआ है रेड कलर का, तो ये क्या होगा, ये एमआरएनए होगा, और यहाँ पे जो ये ऊपर है ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टीआरएनए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एमआरएनए पे ये जो सीक्वेंस है पूरा,
जिसने किससे कॉपी किया हुआ है, डीएनए से कॉपी किया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे ये क्या करेगा, टीआरएनए उसको उसके एंटीकोडॉन्स बनाएगा, राइट? तो यहाँ पे इसके एंटीकोडॉन्स बनाने के बाद में उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अमीनो एसिड ये कोडॉन के लिए ठीक है, या फिर ये कोडॉन कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, राइट? हम लोगों ने अमीनो एसिड्स का वो सीक्वेंस देखा था जहाँ पे अलग अलग कोडॉन्स थे, ओके? तो उसके आगे हम लोगों ने नाम भी लिखे हुए थे। तो यहाँ पे भी ये जैसे कि UCA है, ये अलग अपना अमीनो एसिड बनाएगा, ये तीन अलग बनाएंगे, ये तीन अलग बनाएंगे, राइट? तो यहाँ पे से इसने mRNA से कॉपी किया हुआ है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली mRNA मतलब यहाँ पे क्या होगा, थायमिन नहीं होगा, यहाँ पे यूरैसिल प्रेजेंट होगा, राइट? वो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो होगा वो वहां पे क्या होगा, थायमिन प्रेजेंट रहेगा यू की जगह पे, बट यहाँ पे आरआरएनए में यू ही रहेगा। तो ये देखो टीआरएनए का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, ये जो तीन यहाँ पे दिख रहे हैं वो जो तुम लोग को मैंने तीन साइड बताए थे, ये ई साइड, ये पी साइड और ये ए साइड, राइट? तो ये तीन साइड जो होते हैं ये इनमें ही होते हैं, ओके? समझो यहाँ पे एक इनविजिबल ब्लॉक है तीन, ओके? तो यहाँ पे एग्जिट वाला साइड होगा, यहाँ पे पी वाला, पेप्टिडिल वाला, और यहाँ पे ए वाला, ठीक है? तो अभी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कोडोन आता है कौन सा, एयूजी वाला स्टार्ट कोडोन, ठीक है? तो वहां पे वो सबसे पहले किसको बाइंड करेगा, ये साइड को, पी साइड को बाइंड करेगा जो कि बीच में होती है, ठीक है? क्योंकि ये स्टार्ट कोडोन है, इसको प्रोसेस इनिशिएट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये पी साइड पे बाइंड होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे एक अमीनो एसिड बन गया, तो ये ऊपर इसको लिंक होने में चला जाएगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे यहाँ का अमीनो एसिड बनने के बाद तो ये लिंक हो गया, तो फिर ये टीआरएनए खाली रहेगा, ओके? यहाँ पे कोई अमीनो एसिड नहीं होगा, तो ये टीआरएनए क्या करेगा, ये आगे मूव करेगा, जैसे कोई साइकिल होती है ना, आगे 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 मूव करती जाती है, ये भी वैसे ही है। तो यहाँ पे ये जो है बीच में का पी साइड वाला, ये मूव करके इधर जाएगा। अभी यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है इधर कोई अमीनो एसिड नहीं है, ओके? तो यहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता, तो यहाँ पे ये खाली टीआरएनए है, तो यहाँ पे एग्जिट साइड से क्या होगा, वहां से एग्जिट हो जाएगा और ये प्रोसेस के बाहर हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? और यहाँ पे जो स्टार्ट कोडॉन था वो डायरेक्टली पी साइड को बाइंड होता है, ठीक है? स्टार्ट कोडॉन का तो हो गया, ओके? तो बाकी के कोडॉन का क्या होगा, तो वो क्या करता है, फिर ए साइड को इधर बाइंड करते हैं, ठीक है? फिर ऑब्वियसली इधर एक फर्स्ट बाइंड हो चुका है, मतलब सेकेंड इधर बाइंड बाइंड होगा, ओके? तो ये फर्स्ट वाला निकल के इधर चला जाएगा, फिर ऑब्वियसली इसको इधर प्लेस लेनी पड़ेगी पी साइड पे, ठीक है? तो ये सेकेंड वाला जो है, ये सेकेंड वाला इधर का इधर चला जाएगा, फिर अगेन अमीनो एसिड इधर से लिंक होगा, तो यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, ये जो बीच में जोड़ता है उनको, तो यहाँ पे ये अमीनो एसिड होने के बाद में अगेन सेकेंड वाला इधर चला जाएगा, फिर इधर थर्ड आएगा, फिर थर्ड वाला इधर, थर्ड, फिर देन इधर से एग्जिट। समझ में है ये प्रोसेस कैसे होती है? कोई डाउट है इसमें? अगर डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो, या फिर समझ में आया हो तो हाथ ऊपर करके बता दो मुझे एक बार, ताकि मैं आगे जा सकूं। ये प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन है तुम्हारे? देखो एक सिंपल लैंग्वेज में ले लो कि यहाँ पे एमआरएनए है, यहाँ पे टीआरएनए उसको कॉपी कर रहा है, और ये जो पी साइड है यहाँ पे भी अमीनो एसिड बना हुआ है, तो यहाँ पे ये पास होगा, ठीक है? और यहाँ पे ही लिंक होता जाएगा इस पॉलीपेप्टाइड चेन से, ओके? तो फर्स्ट कोडॉन तो ऑब्वियसली पी साइड में जाएगा, सेकेंड ए में जाएगा, ओके? और समझ लो कि ये दो जो है ये आगे धकेल दिए जाएंगे, ठीक है? मतलब ये जो टीआरएनए है तो ये आगे धकेल दिए जाएंगे, तो क्या होगा, ये पी साइड का ई साइड में जाएगा, ए साइड का पी साइड में जाएगा, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट कोडॉन इधर जाएगा, सेकेंड वाला इधर जाएगा, देन इधर थर्ड आएगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू रहती है जब तक कि वहां पे स्टॉप कोडॉन्स ना आए, ओके? तो स्टॉप कोडॉन्स आएंगे तो क्या होंगे, वहां पे तीन हम लोगों ने देखा था स्टॉप कोडॉन्स थे, ओके? तो वो क्या होंगे, यहाँ पे अटैच होंगे, तो उनको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप करनी है, ठीक है? तो अगर वो अलग से यहाँ पे आके अटैच होते हैं इधर 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 इधर, तो क्या होगा, ये जो लार्ज यूनिट है ये इधर सेपरेट हो जाएगा, ये टीआरएनए बाहर निकल जाएगा और ये एमआरएनए भी इनसे अलग हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे इनको समझ में आ गया होगा कि ये अमीनो एसिड का जो चेन है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे ये पूरा एक प्रोटीन बन चुका है, ठीक है? तो ये सारे यूनिट्स की अभी जरूरत नहीं है, तो वो सारे अलग अलग हो जाएंगे, ओके?
समझ में है, मतलब कि जैसे कि कोई काम करने के लिए, फिर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं और वो बनाते हैं, ओके okay? तो जब उनका काम हो जाता है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट अलग से रहेगा और वो जो काम करने वाले थे वो भी स्प्लिट हो जाएंगे, ओके okay? तो समझ में ये प्रोसेस, इसमें कोई डाउट्स है? समझ में आया हो तो हाथ ऊपर कर दो, ओके okay. तो अभी इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने बीच में देखा था कि डीएनए से, डीएनए पे एमआरएनए क्या करता है, डीएनए का सीक्वेंस है वो कॉपी करता है, राइट? तो कॉपी करने के बाद में वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, ओके okay? तो बाहर आते वक्त उसको वहां पे कोई तो जीन्स होंगे ना जो कि बताएंगे इसको कि हाँ तुझे अभी बाहर जाना है, हम लोग दरवाजा ओपन कर रहे हैं तो तू चला जा और फिर हम लोग वापस से क्लोज कर देंगे, राइट? तो वहां पे उसको अगेन राइबोसोम के पास जाने के लिए भी कोई तो इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे, तो ऑब्वियसली वो कौन कैरी करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, जीन्स के पास ही होगी, ओके तो यहाँ पे आगे जीन को जो रेगुलेट करता है, जीन का एक्सप्रेशन जो रेगुलेट करता है वो हम टॉपिक देखेंगे, ठीक है? तो किसने एमआरएनए को वहां से मूव किया न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म में पहुंचा दिया, ओके तो वहां पे कौन कौन से जीन्स हो सकते हैं ये सब हम लोग देखेंगे अभी, ओके तो इसके लिए हम लोग आगे बैक्टीरिया भी देखेंगे जो कि ई कोलाई है, तुम लोग को पता होगा लास्ट टाइम भी हुआ था शायद से, ठीक है? तो आगे देखते हैं प्रोसेस इसकी। तो यहाँ पे देखो ये नया वाला टॉपिक है थोड़ा, बट रिलेटेड इससे ही है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी आता ही है, ठीक है? जहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि हम लोगों ने डीएनए से पहले क्या होता है, इमैच्योर एमआरएनए बनता है, राइट? जो कि मैच्योर नहीं होता, हम लोग को उस पर प्रोसेसिंग करना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने स्प्लाइसिंग करके प्रोसेस थी ना वो देखी थी, राइट? तो वहां पे क्या था, एमआरएनए को मैच्योर करना था उस पर प्रोसेसिंग करके, तो उससे पहले वो इमैच्योर था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, एचएमआरएनए करके भी बोलते हैं उसको। तो वहां पे वो इमैच्योर को मैच्योर किसने किया, तो ये बताएगा कि जीन एक्सप्रेशन होते हैं, कौन से जीन्स होते हैं जो कि इसको रेगुलेट करते हैं या फिर यह प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ओके? तो ये सारा हम लोग देखेंगे। फर्स्टली तो देखते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता क्या एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन 1961 टू फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रांसिस जैकोब एंड जैकस मोनार्ड। अभी यहाँ पे तुम लोग को इनके पूरे नाम याद नहीं रखने हैं, सिर्फ तुम जैकोब और मोनार्ड करके बोलोगे तो भी चलेगा, बट ये क्वेश्चन आई एम पी है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट हम लोग दूसरे इसमें आ गए हैं, ओके? तो यहाँ पे वो मैं आगे बताऊंगी। अभी यहाँ पे देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन विल एक्सप्रेस और नॉट, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ओके? अगर समझो हमें यहाँ पे जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करनी थी, ओके? अभी हमारे बॉडी में कैसे होता है, समझ लो हम लोगों ने कभी कभी कुछ जो फूड होते हैं वो हम ज्यादा खा लेते हैं, राइट? तो वो ज्यादा खाने के बाद हमें उसके परिणाम जो है वो अलग अलग मिलते रहते हैं, ओके? कोई चीज भी हमें ज्यादा अमाउंट में खाना नहीं होता है, तो अगर उसको खाने के लिए उसका अपोजिट, उसको कम करने के लिए भी कोई तो सब्सटेंस वहां पे प्रिपेयर होना चाहिए, तो वो ऑर्डर कौन करेगा, वो जीन ही करेगा, ओके? तो समझ लो कि यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस देखा था, ओके? तो प्रोटीन सिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, ओके? तो होती है तो ऑब्वियसली बनानी चाहिए। अगर हमारे पास ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन है तो हमें बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है? तो अगर बनाने की जरूरत नहीं है तो वो कौन बोलेगा हमें, हम थोड़ी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली उठ अभी नहीं बनाना है हमें हमारे प्रोटीन, तू चुप करके सो जा करके, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या उसको, नहीं बोल सकते, ठीक है? तो वो कौन करेगा, वो जीन्स करेंगे, ओके? तो वो सारे रेगुलेट करेंगे कि हाँ इसको ये प्रोटीन सिंथेसिस करना है या नहीं करना है, एमआरएनए को आगे जाना है या नहीं जाना है। अगर वहां पे वो बोलेगा कि तुझे नहीं जाना है आगे और प्रोटीन नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, ये जीन बताएगा उसको, ठीक है? हम लोग खुद जाके नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब यही है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिम्युलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टन जीन्स एंड इनहिबिट्स दैट ऑफ अदर्स, कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ओके? तो कोई भी प्रोसेस हमें आगे बढ़ानी है या फिर स्टॉप करनी है तो वो ये जीन एक्सप्रेशन काम करेगा उसके लिए, ठीक है? मतलब ये रेगुलेट करेगा उनके एक्सप्रेशंस कि उसको ये एक्टिविटी अभी करनी है या नहीं करनी है। देन द इसके ये चार पॉइंट्स देखो, द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, अभी यहाँ पे क्या होता है,
ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि जीन कैरी करता है। ट्रांसक्रिप्शन में उसको एमआरएनए बनाना था या नहीं बनाना है, ये सारे प्रोसेस भी यही डिसाइड करेगा। देन उसके बाद में प्रोसेसिंग लेवल, मतलब कि जहाँ पे रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग देखा था हमने, इमेच्योर एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए बनाने का जो प्रोसेसिंग था वो करना है या नहीं, ये भी ये जीन बताएगा। देन उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, मतलब कि एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर जाके साइटोप्लाज्म में जाना है, ये कौन बताएगा? उसको जाना है तो वो जीन बता देगा, नहीं जाना है तो वो वही बताएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देन ट्रांसलेशन लेवल आता है, मतलब वहां पे उसको एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है या नहीं, ये भी ये जीन्स डिसाइड करेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में है तो वो स्टॉप कर देगा, अगर कम अमाउंट में है हमें जरूरत है तो वो ऑन कर देगा, ठीक है? ये समझ में आए? इन शॉर्ट यहाँ पे ये जीन्स होते हैं जो कि ये प्रोसेस सारे रेगुलेट करते हैं, ओके? मतलब संभालते हैं, जैसे कि एक पूरे समझो कोई तो होटल होता है, वहां का कोई तो एक मैनेजर होता है ना जो हर चीज मैनेज करता है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे इसके लिए चाय ले जानी है, वो करना है, तो वो सारा जो होगा ये जीन देखेगा, ठीक है? मतलब वो होटल में जाके नहीं देखेगा, वो अपने सेल के अंदर देखेगा, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट्स है? अगर समझ में आया तो हाथ ऊपर करो अपने। ओके देन चलो देन अभी बढ़ते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के पास, ठीक है? तो फर्स्टली तो ये बता दूं कि ओपेरॉन जो होता है ये डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है? कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जांपल लेंगे हम लोग इसका, इकोलाई बैक्टीरिया का, ठीक है? तो वहां पे समझो अगर उसको ग्लूकोज चाहिए होगा और उसके सराउंडिंग में नहीं होगा, और ग्लूकोज की जगह पे अगर कोई और सब्सटेंस हो जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हो और उसका ब्रेकडाउन होने के बाद में हमें ग्लूकोज मिले, ठीक है? तो ऑब्वियसली उसको कैसे तो एनर्जी चाहिए, भले वो ब्रेक डाउन करके ले या फिर डायरेक्टली ले, ओके? तो वहां पे क्या होगा, कोई तो होना चाहिए ना जो कि हाँ हमें बता दे कि हमारे पास वो ग्लूकोज आ चुका है और हमें उसके पास जाना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, ये बताने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। अगर कोई वहां पे जीन्स नहीं होंगे जो कि इंडिकेट करेंगे कि हमारे साइड में ग्लूकोज है और उसको हमें सेल के अंदर लेना है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको गेन नहीं कर पाएंगे और हमारी एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस होगी, राइट? तो यहाँ पे ये जो काम है, ये प्रोसेस जो इनिशिएट करते हैं ग्लूकोज लेने की, तो ये कौन करेंगे? ओपेरॉन्स करेंगे, ठीक है? तो ओपेरॉन्स ये याद रखना, ये बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या करेगा, हमें बताएगा कि हमारे सराउंडिंग में कोई ना कौन सा सब्सटेंस है और हमें वो कैसे लेना है, ठीक है? तो ये सारा ये बताएगा। अभी ये डिस्कवर किसने किया था? जैकोब ने और मोनार्ड ने, ठीक है? ये दो क्वेश्चन, ये दो साइंटिस्ट जो है ना, इनके नाम तुम याद में रख ही लो, क्योंकि अगर कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इनका सरनेम पूछा जा सकता है, ओके? नाम तो मोस्टली नहीं पूछते बट सरनेम हर जगह पे होना ही चाहिए, ठीक है? तो ये जैकोब और मोनार्ड ये याद रखना, ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में ही आता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, प्रपोज्ड अ मैकेनिज्म कॉल्ड ओपेरॉन मॉडल फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन इन ईकोलाई, ओके? तो ई कोलाई बैक्टीरिया उन लोगों ने स्टडी किया था और वो प्रोसेस देखते वक्त उनको समझ में आया था कि कोई तो है वहां पे जो इनको बताता है कि हाँ तेरे पास अभी ग्लूकोज है या फिर लैक्टोज अदर सोर्स है ग्लूकोज का, ठीक है? तो या फिर लैक्टोज तेरे सराउंडिंग में प्रेजेंट है तो तुझे वो लेना है एनर्जी के लिए, ठीक है? तो अभी ये बताने के लिए कोई तो होना चाहिए ना वहां पे, तो ये कौन होते हैं, ये ओपेरॉन्स होते हैं, ओके? और यहाँ पे जीन्स भी होते हैं जो कि वो प्रोसेस पूरी कैरीड आउट करते हैं, ओके? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? आगे एक डायग्राम है, वो डायग्राम के हिसाब से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना दिमाग में है तुम्हारे कि ओपेरॉन्स क्या है और जीन्स क्या है। ओपेरॉन हमें इंडिकेट करेगा कि हमारे सराउंडिंग के पास ये है वो है और हमें लेना है, ठीक है? और वो जीन्स बताएंगे कि लेना है या नहीं लेना है, ओके? तो यहाँ पे नीचे देखो, ओपेरॉन इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अभी डीएनए का पूरा सीक्वेंस लोगे ना तुम लोग, तो स्टार्टिंग में ही वहां पे ये होते हैं ओपेरॉन्स होते हैं, ठीक है? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं होते हैं, आगे जो स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, जो प्रोसेस होगी, वहां पे तुम लोग के ओपेरॉन्स होंगे और सबसे पहले तुम्हारे जीन्स होंगे जो कि रेगुलेट करेंगे उस प्रोसेस को, मतलब कि इनिशिएट करेंगे, ठीक है? ये सिर्फ क्या बताएगा कि हाँ वहां पे कोई तो है जो हमें लेना है, बट एक्चुअल में प्रोसेस इनिशिएट कौन करेगा, ये जो जीन रेगुलेशन वाले जीन्स हैं, ठीक है? तो यहां तक समझ में आया? देन उसके बाद में देखो, ओपेरॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओके? तो यहाँ पे क्या होंगे, इनके दो टाइप्स होंगे, इंड्यूसेबल और रिप्रेसेबल।
तो यहाँ पे तुम लोग को रिप्रेसेबल पे इतना ध्यान नहीं देना है, बट इंड्यूसेबल पे तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मेन जो इंड्यूसर एज अ इंड्यूसर यूज है वो लैक्टोज है, ठीक है? इसका भी प्रोसेस मैं बताती हूँ पूरा, ठीक है? अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या है, इंड्यूसिबल है, समझ लो। तुम लोगों ने एक कोई बैक्टीरिया कल्चर करने के लिए लिया है, मतलब या फिर उनको बैक्टीरिया को ग्रो करना है तुम्हें, ठीक है? ऑब्वियसली उनको ग्रो करना है तो तुम्हें क्या लगेगा, एनर्जी के लिए ग्लूकोज ही लगेगा, राइट? उनको ग्रो करना है ना, हमें बढ़ाना है उनको, तो वहां पे अगर हम लोग उसका कल्चर कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे हमें उनके मीडियम में क्या चाहिए, या तो लैक्टोज चाहिए या तो ग्लूकोज चाहिए, ओके? समझ लो मैंने ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों उसमें डाल दिए, ठीक है? एज ए एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, अगर दोनों डाल दिए तो वो सबसे पहले क्या लेगा, क्योंकि लैक्टोज जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है और ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर में है, वो जल्दी से ग्लूकोज यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? लैक्टोज को बट उसको ब्रेक डाउन करके फिर उसमें से ग्लूकोज लेना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो कौन सा लेंगे, पहले ग्लूकोज ही लेंगे, ओके? तो अगर समझो मीडियम में मैंने ग्लूकोज डाला ही नहीं, सिर्फ लैक्टोज ही डाला है, ठीक है? तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ही उनको ग्लूकोज लेना पड़ेगा, ओके? और कोई सोर्स नहीं होगा उनके आसपास ग्लूकोज उनको डायरेक्टली मिलने का, तो यही एक लैक्टोज उपाय है, तो वो क्या करेंगे, लैक्टोज का ही ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अभी इंड्यूसिबल क्या होता है, देखो इंड्यूसिबल सिस्टम मीन्स लैक ओपेरॉन को भी तुम लोगों ने नाम सुना होगा मे बी, ओके? लैक ओपेरॉन ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया में उन लोगों ने ऑब्जर्व किए थे, तो ये क्या करते हैं देखो, एंड इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम नॉर्मली रिमेन इन स्विच्ड ऑफ कंडीशन एंड बिगिंस टू वर्क ओनली व्हेन द सब्सटेंस टू बी मेटाबोलाइज्ड बाय इट इज प्रेजेंट इन द सेल, ओके? अगर समझो कि तुम्हारे सेल के आसपास लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, तभी ये इंड्यूसिबल सिस्टम या फिर लैक ओपेरॉन जो है वो ऑन हो जाएगा, ओके? अदरवाइज अगर नहीं होगा तो वो ऑफ कंडीशन में रहेगा, ओके? वहां पे जो मैंने रिप्रेसिबल बोला था ना, जो कि रिप्रेसिव जीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं पता है, वो जब डीएनए सीक्वेंस पे होते हैं तो वो सबसे स्टार्टिंग में होते हैं। क्यों होते हैं वो सबसे स्टार्टिंग में, किसी को आइडिया है कोई, वो स्टार्टिंग में क्यों होता है, क्योंकि इन लैक ओपेरॉन का काम क्या होता है वहां पे, और वो जीन्स का काम क्या होता है वहां पे, कि वो प्रोसेस को हमेशा स्टॉक में ही रखनी है, क्योंकि ग्लूकोज हम लोग कंटिन्यूसली ले नहीं सकते, राइट? हमें ज्यादा अमाउंट नहीं करना है हमारे बॉडी में, ओके? या फिर किसी और की बॉडी ले लोगे तो उसमें अगर हम लोग को ज्यादा हम लोगों ने ग्लूकोज ले लिया, शुगर ले लिया, तो वहां पे क्या होगा, हमें इंसुलिन भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट? वरना हम लोग शुगर के पेशेंट बन जाएंगे अगर इंसुलिन नहीं करेंगे तो, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, इनको प्रोसेस वो कंटिन्यूअसली स्टॉप ही रहती है हमेशा। अगर समझो उनको ग्लूकोज की जरूरत है तो आसपास कोई लैक्टोज हो या फिर ग्लूकोज हो तभी ये लैक ओपेरॉन स्विच्ड ऑन होंगे, ओके? समझ में आ रहा है? मतलब कि ये उनको आदेश देगा कि देखो साइड में लैक्टोज पड़ा हुआ है, इधर उधर घूम रहा है, हमें उसको लेना है पकड़ के अंदर और खा लेना है, ठीक है? तो ये कौन बताएगा, उसको लैक ओपेरॉन बताएगा, ओके? और इस पे अलग अलग टाइप्स के जीन्स होते हैं जो कि बताएंगे कि एक जीन होता है वो बताएगा कि हमारे बाहर कौन सा सब्सटेंस है एग्जैक्टली, ग्लूकोज है या लैक्टोज है, ठीक है? और दूसरा वाला जो होता है वो क्या काम करता है, उनको अंदर लेने का काम करता है, एनवायरमेंट में से उनको सेल के अंदर लेने का काम करता है, ठीक है? और थर्ड वाला जो जीन है उसका अभी तक कोई फंक्शन नहीं डिस्कवर्ड है, उसका बस बोलते हैं कि वो बाहर से लैक्टोज जो लेते हैं उस प्रोसेस में हाथ लगाता है, ठीक है? बट अभी तक एग्जैक्टली उसका फंक्शन क्या है पता नहीं है, ठीक है? तुम नॉर्मली ये लिख सकते हो कि वो इनटेक में मदद करता है, ठीक है? तो इतना ही है बस। वो जीन्स में तीन जीन्स जो है वो आगे बताऊंगी। फर्स्टली तुम्हें लैक ओपेरॉन समझ में आया, ये क्या करेगा, ये हमेशा स्विच्ड ऑफ कंडीशन में रहता है, अगर उसको लैक्टोज दिखेगा, लैक्टोज क्या करता है, एज ए इंड्यूसर काम करता है, ओके? या फिर उसको इंडिकेशन देगा कि मैं लैक्टोज हूँ, यहाँ पे हूँ, देखो मेरे को इधर करके, ओके? तो वहां पे उसको लैक्टोज पता चलेगा तभी ये स्विच्ड ऑन होंगे, अदरवाइज ये ऑफ मोड में होते हैं, ठीक है? और दूसरा जो होगा ये इसके अपोजिट होगा, तो ये रिप्रेसिबल क्या होगा, ये क्या करेगा, वहां पे हमेशा ये स्विच्ड ऑन मोड में रहेगा, ओके? मतलब कि जो भी कोई प्रोसेसेस चलती रहेंगी वो सब में ये पार्टिसिपेट करता रहेगा। समझ लो अभी ये प्रोसेस चल रही है तो इसमें घुस जाएगा, इसको पार्टिसिपेट करेगा, ये प्रोसेस होने के बाद में दूसरे प्रोसेस में घुस जाएगा, ठीक है? ये बहुत ही
बेकार टाइप का, मतलब लाइक हर इसमें काम में जाके नाक घुसाने वाला इंसान समझ लो ये, ठीक है? तो हर एक के प्रोसेस में जाके ये टांग अड़ाएगा, ठीक है? तो ये रिप्लेसेबल जो होते हैं ये हमेशा ऑन ही रहते हैं। बट एक बात याद रखनी कि अगर समझो कि वो कोई तो सब्सटेंस बना रहा है और वो ज्यादा एक्सेस में हो गई है, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली वो दिन भर एक ही या फिर दूसरा दूसरा वही नहीं बना सकता, तो वो क्या करेगा, एक टाइम आने पे वो भी अपना प्रोसेस स्टॉप कर देगा, ठीक है? अगर ज्यादा अमाउंट में होता है तो, ठीक है? ये समझ में आया? और पहले वाला जो था वो हमेशा स्विच ऑफ ही रहता है, अगर उसको लैक्टोज दिखेगा तभी वो होगा जागृत, ठीक है? समझ में है ये दो टाइप्स? ओपेरॉन्स में कौन कौन सी ये दो टाइप्स हैं, समझ में है? ठीक है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, चैट बॉक्स में आंसर लिखो मेरे को। ठीक है, अभी एक काम करो, जिन लोगों ने ओपेरॉन्स डिस्कवर किए थे उन दो साइंटिस्ट के नाम बताओ मुझे, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, बहुत इजी है। ठीक जल्दी जल्दी। अरे मेरे को पता है तुम लोग बहुत चैटिंग करते हो और मेरी नजर रहती है हमेशा सब यंगस्टर्स पे, मैं भी हूँ बट फिर भी, ठीक है? अच्छा चलो, गौरी ने लिखा, श्रुति ने लिखा, अंकुर ने लिखा, अभिषेक ने लिखा, तुम सबका आंसर राइट है। अभी बताओ मैंने इसमें स्पेशल क्या किया हुआ है तुम लोग को, कॉम्प्लीमेंट सब लोग को दिख रहा है मेरा कॉम्प्लीमेंट तुम लोग को? मैंने गुड बोला है ना, राइट? सोचो इसमें मैंने क्या तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। क्या अलग चीज की हुई है मैंने इसमें? देखो साइंटिस्ट वाला सेंस मत लगाओ, कॉमन वाला सेंस लगाओ, मैंने सिर्फ जी कैपिटल लिखा हुआ है वहां पे, समझ में आ रहा है? मैंने कोई ऐसे बड़े वाले चेंजेस नहीं किए हुए हैं उसमें बच्चों, मैंने यहाँ पे सिर्फ जी को कैपिटल में लिखा हुआ है, ओके? समझ में आया यहाँ तक? ओके तो आगे जाते हैं। तो अभी मैंने तुम्हें जो जीन्स बोले थे ना आगे जाके, ये वाली डायग्राम है वो, ये वाली डायग्राम दिख रही है सबको अच्छे से? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंड्यूसर है, यहाँ पे इंड्यूसर क्या होगा, लैक्टोज होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो आई है ना, तो यहाँ पे ये लैक आई करके होता है, लैक आई मतलब क्या होता है, लैक्टोज इनहिबिटर होता है, ठीक है? लैक्टोज इनहिबिटर क्या करेगा, ये प्रोसेस हमेशा स्टॉप कंडीशन में रखता है ये, ठीक है? मतलब स्विच ऑफ होती है ये प्रोसेस पूरी, ठीक है? तो यहाँ पे ये पी एक साइड है, ये पी दिख रहा है सबको, ये जो रीजन है ये प्रमोटर रीजन है, ठीक है? ये प्रमोटर रीजन किसका है, ये प्रमोटर रीजन लैक्टोज का है, ठीक है? जब उसको लैक्टोज मिलेगा तब बताएगा वो, ठीक है? तो यहाँ पे ये लैक आई है जो कि प्रोसेस स्टॉप रखेगा, तो ये समझ लो ये लैक आई है। तो ये क्या करता है, ये पी और ओ जो है दिख रहा है ना यहाँ पे, प्रमोटर एंड ऑपरेटर जो कि पूरी प्रोसेस स्टार्ट करेगा और ऑपरेट करेगा, ठीक है? ये जो दो है यहाँ पे, ये लैक इनहिबिटर जो है ये समझ लो आके बैठ गया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, लैक आया आने की वजह से ये प्रोसेस हमेशा स्विच ऑफ रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे अभी समझ लो इसके सराउंडिंग में लैक्टोज है, ओके? मैंने समझ लो लैक्टोज डाल दिया, तो लैक्टोज में एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, लैक्टोज ऑब्वियसली पूरा स्ट्रक्चर अलग है, बट वो किससे बनता है, एलो लैक्टोज करके सब्सटेंस होता है उससे बनता है, ठीक है? तो एलो लैक्टोज जो होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे वो इनहिबिटर के यहाँ पे, ठीक है? तो इनहिबिटर से ज्यादा वो पावरफुल रहते हैं लैक्टोज, एलो लैक्टोज जो होते हैं ना वो पावरफुल रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको बोलेंगे अबे चल हट, मेरे को बैठना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये क्या करेगा, लैक्टोज जाके वहां पे बैठ जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उनको समझ में आ गया कि हाँ लैक्टोज है हमारे पास,
तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देगा। अभी उसने इनहिबिटर को तो बड़ी पूरी तरह से गेट आउट बोल दिया है, तो वो क्या करेगा वहां से निकल जाएगा, ठीक है। बट ये स्टार्टिंग में है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में इनहिबिटर क्यों है, क्योंकि ये प्रोसेस को हमेशा स्विच ऑफ रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे समझ लो अगर लैक्टोज आ गया, ओके, तो ये क्या बोलेगा, चलो मैं आ गया हूँ, मेरे को प्रोसेस इनिशिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग के तीन जीन्स होंगे, ओके, ये जो जीन्स है ना इनको स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं, ओके, जो कि मेन काम करेंगे। ये जो जीन्स है ये क्या करते हैं पता है, ये जीन्स फर्स्ट वन लैक जेड होता है, लैक वाई होता है, लैक ए होता है, ठीक है। इनके नीचे मैंने नाम भी लिखे हुए हैं। ये तीन जीन ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अभी इसके फंक्शंस इधर है, देखो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सबको, जेड वाई ए के जो जीन्स हैं ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट वाला जो था हमारा क्या था, वो जेड था, वाई था, ए था। तो ये तीन ध्यान में रखो अच्छे से। देन जेड जो है वो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज करके जो एंजाइम रहता है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अभी ये एंजाइम क्या करता है, ये कैटाबोलिज्म ऑफ लैक्टोज करता है, मतलब हमें लैक्टोज है पता चल गया है, ओके, तो ये इसको ब्रेक डाउन करना है ना हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये क्या करेगा उसका ब्रेक डाउन करेगा लैक्टोज का, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, और इसको प्रोड्यूस कौन करेगा, कौन करेगा, कौन सा जीन था वो, लैक जेड जीन, जेड जो था, ठीक है। तो वो जीन क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा लैक्टोज को, ओके, ये प्रोड्यूस करके बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और जो सेकेंड एंजाइम है वो परमीएज है, ठीक है। अभी परमीएज का फंक्शन क्या होगा, इसको किसने प्रोड्यूस किया, लैक वाई जो था, ठीक है। तो ये जीन इसको प्रोड्यूस करेगा, ये परमीएज एंजाइम को। तो ये परमीएज एंजाइम जो है ये क्या करेगा, टेकिंग लैक्टोज फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। हमें पता चल गया है कि एनवायरमेंट में लैक्टोज है, इसीलिए प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करने का आदेश हमें मिल चुका है, ठीक है। तो अब उसको बाहर से अंदर भी तो लाना है ना, तो वो अंदर लाने का काम कौन करेगा, परमीएज करेगा, ठीक है। ये सारी उनके फंक्शंस है, इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें समझना है सिर्फ। देन उसके बाद में ट्रांस एसिटाइलेज जो है ये थर्ड वाला है, जो कि लैक ए जीन है वो प्रोड्यूस करता है ये एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्लियर नहीं है, बट तुम ये याद रख सकते हो कि ये लैक्टोज लेने में कुछ तो हेल्प करता है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, बट स्पेसिफिक यही करता है ये किसी ने नहीं बोला है अभी तक, ठीक है। तो मे बी तुम लोग को किसी में से, तुम लोगों में से कोई किसी को साइंटिस्ट बनना होगा तो तुम लोग ये डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे साइड में लिख सकते हो कि ये रिसर्च करना बाकी है तुम्हारे लिए, एक देखो स्कोप आ गया इधर ही, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक करके एक कंसेप्ट है, तो यहाँ पे क्या है ये मैं बताती हूँ, ये जो तीन जीन्स है जेड वाई ए, ठीक है, तो यहाँ पे इनको रेगुलेट कौन करता है, ये एक ही प्रमोटर करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको पॉलीसिस्टोनिक करके बोलते हैं, समझ में आ रहा है। ये एक ही प्रमोटर ये तीन जीन्स को हैंडल करता है पूरा, इन शॉर्ट, ओके, समझ में आई ये। और ये जो यहाँ पे आया था ये रिप्रेसर एमआरएनए था, मतलब कि इनहिबिटर था, जो कि हमेशा प्रोसेस को ऑफ रहता है, ओके। और ये इंड्यूसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैक्टोज आएगा तभी ये प्रोसेस इनिशिएट होगी, अगर लैक्टोज नहीं होगा तो वो ऑफ मोड में हमेशा रहेंगे, ठीक है, समझ में आई ये प्रोसेस। लैकोपेरोन क्या करता है एक्चुअल में, इसका कैसे कैसे चलता रहता है, इसमें टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये एंजाइम्स कौन कौन से सिक्रीट करता है, जीन्स कौन से होते हैं जो कैरी करते हैं प्रोसेस, समझ में आई ये प्रोसेस। हमें ये तो पता था कि जीन्स सारे काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, कि वो इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट एग्जैक्टली हमारे सेल के बाहर जब होता है कोई भी सब्सटेंस, तो वो सेल के अंदर कैसे लिया जाता है ये हमें अभी तक नहीं पता था, ठीक है। तो अभी ये किनके वजह से पॉसिबल है, ओपेरॉन्स की वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है, समझ में आई है इन शॉर्ट, ओके। तो अभी फटाफट चैट बॉक्स में इसके दो टाइप्स लिखो, कौन कौन से थे, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, अभी मैंने स्लाइड भी ऑफ कर दी है, ठीक है,
चैट बॉक्स में उसके ओपेरॉन्स के दो टाइप्स लिखो, और वो जो स्ट्रक्चरल जीन्स थे ना, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए जो था, और वो कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते, वो एंजाइम्स का भी नाम लिखो चैट बॉक्स में, अगर तुम लोग को याद है तो अभी। ठीक है गौरी, तुम्हें इंड्यूसर और रिप्रेसर नहीं लिखना है एक्चुअली, यहाँ पे तुम्हें इंड्यूसिबल सिस्टम और रिप्रेसिबल सिस्टम करके लिखना हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंड्यूसर अलग होते हैं और रिप्रेसर अलग होते हैं। ठीक है, तो और लिखो आंसर, वो तीन एंजाइम के नाम लिखो जो मैंने अभी बताए थे, वो जो जीन्स है तीन स्ट्रक्चरल जीन्स, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। लिखो जल्दी लोगों, सब लोग से टाइप ही कर रहे हैं क्या अभी। राइट रोहित ने लिखा हुआ है, रोहित का राइट है, बस वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। ओके राइट, साइली का भी राइट है आंसर। देखो सब लोग लिख रहे हैं, अच्छे से याद है सब लोग को। ओके अभी किसने लिखा, मृण्मयी ने भी लिखा, तुम्हारा भी राइट है मृण्मयी। ठीक है, तुम लोग को समझ में आए गए होंगे शायद से ये सारे, ऐसे मैं अज्यूम करती हूँ, या फिर तुम लोग मुझे कंफर्मेशन दे सकते हो अपना हाथ ऊपर उठा के, समझ में आ गया हो तो पूरा, वरना देखो मैं मेरे को फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताओ जल्दी समझ में आया कि नहीं। ठीक है चलो समझ में आ गया अभी। अच्छा ये जो सबसे इम्पोर्टेंट लैक ओपेरॉन की ये जो टाइप्स हैं, ये तुम्हें समझने थोड़े से, रेगुलेटर जीन जो था, प्रमोटर जीन था जो मैंने, वो तुम लोग को ऑब्वियसली वो जो स्ट्रक्चर था वहां पे लैक ओपेरॉन का, वो तुम्हें मैंने बता दिया है, तो उसमें के ये सारे पार्ट्स हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स किसमें आता है, वो जो जेड वाई ए थे और वो प्रमोटर और ऑपरेटर जो था उसको हम लोग स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं, वो पूरा जो उसका स्केल है। ठीक है, तो इंड्यूसर जो था यहाँ पे वो क्या था, ये कंपोनेंट नहीं था इसका ओपेरॉन का, बट वहां पे उसको इंड्यूसर किसको बोलते हैं हम लोग, लैक्टोज को बोलते हैं। ठीक है, रेगुलेटर जीन मतलब क्या होगा, ये रिप्रेसर जीन होगा जो कि प्रोसेस इनहिबिट करता है। ओके समझ में आई यहाँ तक, मैंने उसमें तुम्हें बता चुकी हूँ, ये समझ में आए सारे लाइक ओपेरॉन के टाइप जो उसमें थे इमेज में। ओके और ये जो लैक्टोज का मेन रोल है वो क्या करता है, एज ए इंड्यूसर ये करता है, एक्ट करता है, और वो कहाँ पे जाके अटैच होता है, रिप्रेसर पे, और वो वहां से उसको हटा देता है और बोलता है कि मुझे अभी प्रोसेस चालू करनी है मेरे ग्लूकोज के लिए। ठीक है, ये सारी प्रोसेस समझ में आई तुम लोग को, अच्छे से समझ में आई ना, भूलना मत एक बार रिविजन कर लेना, क्योंकि ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट याद करनी पड़ेगी तुम लोग को, और अभी याद कर लो अच्छे से, क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड और भी प्रोसेसेस वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ओके तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके थोड़ा भारी लग रहा है सर। हाँ या बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा है तुम लोग को।
रोहित तो देखो पूरा पॉज हो गया है ऐसे करके। ओके कोई कोई तो ऐसे करके बैठा हुआ है, चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसे सोच रहे हैं। हाँ मुझे समझ में आ गया सर, बट मुझे याद कुछ नहीं आ रहा। ठीक है तो ये सारी प्रोसेसेस है। एक बार तुम्हारे पास सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक है ना, तो एक बार उसमें से प्रोसेस अच्छे से पढ़ लो, उसके कौन कौन से पार्ट हैं। उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज हाईली मोडिफाइड है, तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो उसको, ठीक है। और बाकी मैंने जो बताया उसको भी कंसेप्ट याद करने की कोशिश करो, ठीक है। बट ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, सो इसको अच्छे से करना। ओके तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय। तुम लोग के चॉकलेट सर लॉकडाउन के बाद में मिलेंगे, ये भी मैं तुम लोग को खुशखबरी दे दूं अभी, ताकि तुम लोग वेट करो तब का, ठीक है। चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। यू वेलकम। बाय बाय। थैंक यू मैम।